गाइस हमारे GTA 5 के वर्ल्ड में कुछ ऐसी कार्स भी छुपी हुई हैं जिन्हें लोग गोड कार्स के नाम से जानते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इन कार्स तक पहुंचना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, और अगर कोई इंसान इन तक पहुंच भी जाता है तो वो पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल गाड़ियों का मालिक बन जाता है। लेकिन जो ये फायर कार अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये तो सबसे पावरफुल और रेयर है। और अगर आज हम इस फायर कार तक पहुंच गए तो हमारे पास दुनिया की सबसे पावरफुल गाड़ियां हो जाएंगी। अगर आप भी इन मोस्ट पावरफुल गोड कार्स को देखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पर नए तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइस अभी हम GTA 5 के सबसे ऊंचे पहाड़ों में आ चुके हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि हमें यहाँ पर कोई ना कोई यार सुपर पावर वाली कार तो मिल जाएगी, लेकिन अभी तक भी हमें यहाँ पर कोई भी कार नहीं मिली है। और भाई यार यहाँ पर बाइक चलाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप देखो उस तरफ अगर गिरे तो उस तरफ भी खाई है, और अगर हम उस तरफ गिरे तो उस तरफ और भी ज्यादा गहरी खाई है। तो इसीलिए मैं अपनी बाइक को बिल्कुल आराम आराम से संभाल कर चला रहा हूँ, साथ में साइड में ये भी देखता चल रहा हूँ कि हमें यहाँ पर कोई कार दिख जाए। भाई यहाँ का नजारा तो भाई काफी ज्यादा ही ओपी है। चलो एक काम करते हैं, आराम से पहले अपनी बाइक को नीचे उतारते हैं और फिर अपने मैप में देखेंगे कि भाई हमें कहाँ पर कोई कार मिलेगी। भाई बातें करने के चक्कर में भाई मैं नीचे गिर जाता भी तो, बस आराम से उतर गई हमारी बाइक। अरे एक मिनट, अरे गाइस वो देखो वहां पर मुझे कुछ अजीब सा दिखा। यहाँ पर भाई यहीं से ले लेते हैं, आज मैं अपने साथ ही अपनी स्पोर्ट्स बाइक भी लेकर आया हूँ, तो ये काफी ज्यादा ओपी है। ओ भाई ये देखो हमें यहाँ पर कार मिली है। एक मिनट गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये देखो यार कितना जादुई पेड़ है, कितनी जादू। ओ भाई ये देखो कार तो ये भाई ओपी। ओ भाई ये क्या चीजें हैं। ओ बॉय गाइस यार ये देखो यहाँ पर हमें जादुई पेड़ भी दिखे हैं, और ये वाली कार तो यार काफी ज्यादा ही ओपी लग रही है। मुझे लग रहा है कि ये अर्थ कार होगी, एक मिनट मैं इसे चेक कर लेता हूँ अंदर बैठकर। भाई इसका लॉक खुला है ना। अरे हाँ गाइस ये तो अर्थ कार है। भाई सच में मुझे लग रहा है कि इसमें काफी तगड़ी वाली पावर्स होंगी, तो आराम से इसे यहाँ से निकालते हैं। तो चलो गाइस यार अभी हमें फाइनली अर्थ कार मिल चुकी है, और अभी हमें इसे है ना मेन रोड पर ले जाकर इसकी कुछ पावर्स को टेस्ट करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि ये सच में अर्थ कार है या फिर एक डुप्लीकेट अर्थ कार है। आराम से यहाँ से लेकर जाना होगा। वैसे देखने में भाई कितनी ज्यादा बड़ी है, और इस गाड़ी का जो ये ग्रीन कलर है ना वो इस गाड़ी पे सही जच रहा है। भाई एक नंबर की लग रही है ये वाली गाड़ी तो। मुझे लगता है कि जो हमर है ना वो भी इसके सामने यार कुछ भी नहीं है। सच में भाई काफी तगड़ी गाड़ी हमारे हाथ लग चुकी है। तो चलो इसे जल्दी से रोड पर लेकर जाते हैं और फिर वहां पर देखते हैं कि सच में ये एक गोड कार है या फिर ये एक नॉर्मल कार है। तो यार अभी हम हाईवे पर आ चुके हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी गाड़ियां आ रही है। एक देखो ये ट्रक आ रहा है सामने से, इसे सामने से टक्कर मारकर देखते हैं भाई ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। ओ भाई ये देखो हमने सिर्फ हल्की सी टच की थी और उस ट्रक का देखो क्या हाल हुआ है। इसको टच करके देखते, ओ भाई वो देखो इसका भी सेम टू सेम वही हाल हुआ है। अगर हम इसे स्पीड में भगाकर टक्कर मारे तो क्या होगा, चलो देखते हैं। ये दिया मैंने बूस्ट और ये, ओ भाई वो देखो, ओ भाई यार उस ट्रक को देखो कहां पर गया, अभी तक हवा में है भाई, गायब ही हो गया वो तो। सो ऑलराइट गाइस अभी मैं इस यार अर्थ कार के ऊपर थोड़े से एक्सपेरिमेंट और भी करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये गाड़ी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे हाथ में ये RPG है और मैं इस गाड़ी के ऊपर लगातार 4-5 फायर करूंगा और उसमें देखेंगे कि इस गाड़ी को कितना डैमेज आता है। तो चलो यार इसके ऊपर पहले तो यहाँ पर फायर करते हैं बैक में। एक फायर यहाँ पर किया। ओ भाई ये देखो यार इसको तो खरोच तक भी नहीं आई। ये देखो पास से देखते भाई बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। एक काम करते हैं शीशों पर मारते हैं, यहाँ पर मिरर्स पर मारते हैं, देखते हैं मिरर्स पर कुछ होता है या नहीं होता। एक फायर यहाँ पर। ओ भाई ये देखो इसके मिरर्स को भी कुछ नहीं हुआ। तो अभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे हाथ में अभी ग्रेनेड है, यहाँ पर कई ग्रेनेड एक साथ फेंक देता हूँ। एक यहाँ पर फेंक दिया, इसके नीचे फेंकेंगे, देखेंगे फिर इसे कुछ होगा या नहीं होगा। ओ भाई ये देखो दूसरा फटा और तीसरा ही फटने वाला है। ओ भाई साहब, तो गाइस यार सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक गाड़ी है। ओ भाई यार हमारे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। तो जल्दी से अपनी यार अर्थ कार को यहाँ से लेते हैं और भाई जल्दी से यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि इन्हें पता लगे कि हमारे पास एक गोड अर्थ कार है। सो ऑलराइट गाइस अभी हम अपनी सेकंड गोड वाटर कार को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। बस यार अभी हम उस आइलैंड के पास पहुंचने वाले हैं और उस पर जाने का रास्ता आप देख सकते हो भाई कितना ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर ये देखो भाई कुछ लोग है ना बोटिंग कर रहे हैं। भाई यार ये आइलैंड तो काफी ज्यादा ही ओपी है, लेकिन यार यहाँ पर कोई भी जंगली जानवर हो सकता है, बस हमें उससे बचकर अपनी गाड़ी को चलाना होगा। भाई कैसी कैसी ढलान है यार यहाँ पर। तो गाइस वो जो हमारे सामने आइलैंड है उस पर सबसे पहले हमें जाना होगा, क्योंकि उसके बाद जो वहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड देख रहे हो ना, शायद हमें वहाँ पर वो अपनी गोड वाटर कार मिल सकती है। भाई यार यहाँ से तो लगता है कि मुझे तैर कर ही जाना होगा। तो चलो जल्दी से अपनी डाइव लगाते
सकते हैं। ओ भाई शिट यार, मुझे नहीं पता था कि मैं पत्थर के ऊपर पड़ूंगा। तो चलो यहाँ से आराम आराम से चलते हैं, तैर कर भी जाना होगा हमें वहां तक पहुँचने के लिए। भाई यार पानी तो ठंडा है, लेकिन यार वैसे मजा आ गया स्विमिंग करने में। भाई यार कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, कहाँ पर दिखेगी यार, कहाँ पर, यहाँ पर भी नहीं है, इस तरफ भी नहीं है, झाड़ियों में तो नहीं है ना। चलो यार इस तरफ जाकर देख लेते भाई ये किस तरह की लहरें उठ रही है। भाई कितनी बड़ी बड़ी लहरें हैं यार यहाँ पर तो। ओ भाई साहब क्या ही खतरनाक। अरे भाई वो देखो, आई थिंक मुझे गाड़ी मिल चुकी है। ओ भाई यार वो गोड वाटर कार है, और उसके अंदर से देखो भाई पानी के कैसे फवारे निकल रहे हैं। भाई यार देखो कितना ज्यादा पानी उड़ रहा है हवा में, और भाई यार सच में काफी ज्यादा ही अजीब लग रही है ये वाली गाड़ी। एक मिनट गाइस देख लेते हैं ये कि गोड वाटर कार है ना। भाई यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा है, एक मिनट इसके अंदर बैठ के देखते हैं। आराम से बैठते इसके अंदर, और भाई हम इसे चला सकते हैं। चल 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 चल, एक मिनट गाइस यार हम इसे पानी में कैसे चलाएंगे। एक मिनट यार इसके अंदर एक बटन है हैंडल पर, इसे और प्रेस करके देखता हूँ। ओ भाई ये देखो, ओ भाई यार ये देखो यार इसके पीछे प्रोपेलर्स भी हैं। गाइस यार इस गाड़ी के जरिए हम यार पानी के अंदर की दुनिया भी देख सकते हैं, लेकिन यार इसको थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आज से पहले यार मैंने कभी ऐसी गाड़ी नहीं चलाई थी जो कि पानी के अंदर भी चलती हो। ओ भाई यार ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं इसको कैसे चलाऊं। ओ भाई क्या ही खतरनाक गाड़ी लग रही है सच में। गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी, वो अर्थ कार या फिर ये वाटर कार। एक मिनट गाइस इसे इस तरफ लेकर चलते हैं, और यहाँ पर देखते हैं भाई इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या। शायद हम मिसाइल्स भी मार सकते हैं। भाई एक मिनट मिसाइल्स मारता हूँ, मिसाइल्स ओ भाई वो देखो हमारी गाड़ी मिसाइल्स भी मारती है, ये देखो यहाँ से। वैसे तो यार ये ऑब्वियस सी बात है कि ये एक वाटर गोड कार है, तो इसकी स्पीड तो यार पानी में ही होनी चाहिए। तो यार पानी की उससे देखे तो पानी की वजह से तो ये काफी ज्यादा ओपी कार है, लेकिन लैंड पर इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं है। वैसे गाइस आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपको लुक वाइज कौन सी कार ज्यादा बेटर लगी थी, हमारी जो ये वाली वाटर गोड कार है या फिर अर्थ गोड कार। लेकिन गाइस अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मुझे यार फर्स्ट वाली कार काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। तो गाइस अभी हम यार एयरपोर्ट के ऊपर आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे राइट साइड में एयरपोर्ट है। मुझे लगा कि जो हमारी एयर कार है ना वो शायद हमें एयरपोर्ट के पास मिल सकती है, तो इसलिए मैं यार यहाँ पर एक चॉपर लेकर आया हूँ, ताकि हम ये जो एयरपोर्ट की बिल्डिंग्स है ना उनकी छत पर भी देख सके। क्योंकि गाइस मुझे लग रहा है कि जो एयर कार है ना वो यार छत पर ही मिलेगी। तो यार मैंने जो पिछली दो तीन बिल्डिंग है ना उन पर तो देख लिया है, उधर तो है नहीं, तो चलो आगे की तरफ चलते हैं, और सारी छतों को हमें काफी केयरफुली देखना होगा। भाई यहाँ पर तो नीचे तो नहीं है, उस तरफ भी नहीं है। भाई यहाँ पर एक मिनट आगे ये दो तीन बिल्डिंग हो रहे हैं, इन पे भी आराम से देख लेते हैं। गाइस नहीं यार यहाँ पर भी नहीं है, चलो आगे यार वो दो तीन बिल्डिंग्स हो रहे हैं छोटी छोटी, वहां पर देखते हैं शायद हमें वहां पर कोई एयर कार मिल सकती है या फिर नहीं भी मिल सकती। ओ गाइस एक मिनट गाइस मुझे लग रहा है कि नीचे हमें कोई कार दिखी है, शायद कार ही है ये। एक मिनट अपने चॉपर को यार नीचे लेकर जाते हैं, बस आराम से यहाँ पर पार्क कर देते हैं। आराम से हमने अपने चॉपर को यार पार्क तो कर दिया। भाई यार मुझे लग रहा है कि ये हमारी एयर कार ही है। ओ भाई यार क्या ही खतरनाक लग रही है। और भाई यार ये तो ब्लैक सिल्वर कलर है, और यार इसके अंदर से स्पार्क निकल रहे हैं। तो गाइस अभी हमें एयर गोड कार भी मिल चुकी है। ओ भाई क्या ही खतरनाक लग रही है। चलो इसके अंदर बैठते हैं और इसकी भी पावर्स को टेस्ट करते हैं कि क्या ये सच में एक एयर गोड कार है या फिर नहीं है। तो चलो इसे एक बार चलाकर देखते हैं। ओ भाई यार क्या ही बूस्ट छोड़ रही है। और गाइस यार इसकी स्पीड देखो भाई, यार सच में भाई इसने तो सब कुछ क्रॉस कर दिया यार, क्या ही खतरनाक चली थी। भाई इसकी स्पीड चेक करो यार, ये देखो एक बार भागती है ना तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, और ये देखो कितनी खतरनाक तरीके से डिसबैलेंस होती है भाई ये कार। सच में भाई ये सच में ये एक एयर कार है। तो यार अभी मैं इसे हवा में भी उड़ाने वाला हूँ, तो देखते हैं कि जो ये हमारी कार है ये हवा में उड़ पाती है या फिर नहीं उड़ पाती है। इसे थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं। ओ भाई चल भाई हवा में तो उड़ जा। एक मिनट गाइस, भाई ये हवा में तो नहीं उड़ रही है लेकिन चलते हुए हवा से बातें जरूर कर रही है। ओ भाई ये क्या था भाई, रिवर्स भी कितना तगड़ा मार रही है। तो गाइस आप बताओ कि आपको जो ये गोड एयर कार है ये कैसी लगी है। तो गाइस हम एक बार फिर से यार जंगलों में आ चुके हैं, क्योंकि जो हमारी लास्ट गोड कार है यानी कि फायर गोड कार, हमें उसे ढूंढना है। और भाई यार यहाँ पर बारिश भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। ओ भाई वहां पर लाइटिंग किस चीज की है, इतनी बारिश में यार किस चीज की लाइटिंग हो रही है, वो भी यार झरनों के ऊपर। एक मिनट गाइस यार यहाँ पर अपनी बाइक को पार्क करूंगा ना तो वो फिसल कर नीचे गिर जाएगी, वैसे भी यहाँ पर कीचड़ हो रखा है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर अपनी बाइक को पहले खड़ा करते हैं। और गाइस वो देखो
वहाँ पर बारिश में भी आग जल रही है, पर यार इतनी ज्यादा आग है, लेकिन मुझे यार यहाँ से समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वहाँ पर है क्या। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे जाकर चेक करते हैं कि भाई यार इतनी बारिश में आग कैसे जल रही है, पानी इतना गिर रहा है लेकिन फिर भी वो आग बुझ नहीं रही है। तो गाइस यार फाइनली अभी हम ऊपर चढ़ चुके हैं, लेकिन गाइस अगर मैं इस कार में बैठूंगा जल तो नहीं जाऊंगा ना। एक मिनट थोड़ा सा पास जाकर देखता हूँ। अरे नहीं गाइस यार मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, ये देखो हम फायर के अंदर खड़े हुए हैं और हमें कुछ भी नहीं हो रहा है। भाई यार सच में काफी गजब की कार है। तो चलो इसमें बैठते हैं और चला के देखते हैं कि भाई हम इसे कैसे ड्राइव कर पाएंगे। भाई आग लगी हुई है, भाई पानी के अंदर एक बार कूदा कर देखते हैं। ओ भाई यार ये देखो पानी के अंदर है हमारी कार और फिर भी पानी के अंदर आग लगी हुई है भाई सच में। तो गाइस ये देखो ये है हमारी फायर गोड कार जिसे हमने अभी ढूंढ लिया है। और गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वाली कार कैसी लगी है। और हाँ आप मुझे ये भी बताना कि जो आज हमने चार कार ढूंढी है उनमें आपको सबसे ज्यादा तगड़ी कौन सी लगी है। तो गाइस अगर आप इस फायर कार की पावर्स को देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना। वैसे तो यार देखने में तो काफी तगड़ी सुपर कार लग रही है,